बिना सिक्योरिटी कुछ भी करना है तो बिना सिद्धू बिल्कुल सेफ है, कोई पता नहीं लिया। परंतु जितने सरकार की कृपा होगी 28 को लॉन्च कर दिया है सिक्योरिटी बढ़ा दें। और एक गल इन्वेस्टिगेशन के बीच बोल दी आप भी कहती कि जो सू पता लग गया सिक्योरिटी वापस होगी फिर वह घर से हमला करने भी तैयार हो। वो कहते उसके मापे को मैं पूछना चाहना भी सिद्धू गनमैन क्यों ना लेके गया। मैं मानता भी साड़ी भी गलती हैगी पर की गनमैन थले नाल ही चूंकि घर गनमैन को बिना सेफ है उन्होंने प्लानिंग की सी। हम बच्चे ने सारी गल सू नहीं दसी होनी फोन उधर को आया जो हो मैं इस गल का पूरा पता से भी अस मौके से की हालात बन। मैं रोड़े के बयान के उ काफ़ी इतराज जताया से भी वो इंसान बोल रहे जी का अपना पाप भी खुदकशी करके मरिया हो गया वो योजी मानसिकता के पढ़िया हो रहा उन्हें परिवार खेल जरूर देखा हो रहा वो भी इस तरह बयान दिता है क्योंकि सत्ता का नशा भी है ही इस तरह का जो बापू को सत्ता नहीं पुरसी तो बहने आपको यही पता लगता भी जो घर के कोई इस तरह का पहाड़ डिगदा दुखों का कोई मापदंड नहीं रह जाता। सब तो पहले मैं तो अपनी माफी चाहना कि अच्छ एक दो समान वादे हो गए काफ़ी देर करनी पी है। एक मैं पिछले समझे को बेनती भी करी थी कि आप 15 दिन छोटे रखना बहुत थोड़े को वापसी का प्रोग्राम है प्रबंध काफ़ी करने क्योंकि संगठन की गिनती जाओगी शादू फिर परिवार कोई परिवार छोटा है जो थोड़े बंदे अभी बिजी हो जाते हैं तो ज़्यादा शराब होना पैदा है मैंने भी नहीं चंगा लगता भी गर्मी के खराश हो संडे तक आप बिजी से लूगा शुरू मैं तुम्हें सारे दसदा जी थोड़ा जहाँ उन्हें चर आप घट रखियो। हाँ जी जब ही नहीं सकता कोई पगेसी है बंदा कोई बाहर एन आर आई है कोई बाहरों आया चलो इधर आप कर लेंगे। बाकी 10 महीने तो आप लगातार बोलिए ना सू सारा गलों का पता है कुछ असी आपके कमां तो मिलते भी व्यस्त हो जाते कई बार सानू भी नहीं पता लगता भी बाहर की कुछ हो रहा है। तुम अपने जाने सारी अपने पहचान वालों ये गल समझा है किसी ने कुछ सानू मिलना चाहता है साडा नंबर लेना साडे ने गल करनी है तो उपलब्ध है तुम किसी ने खास करके एन आर आई ज्यादा भलेखे का शिकार आए नहीं क्योंकि ठग बहुत फरते हैं अजो थो मैं बुला दूंगा मैं कोई नहीं दे दूँ तो कई मेरे को गलत ध्यान चाहिए तुम्हें गुराह ना हो की गल है तुम याद करो मैं थोड़े को चल के आ जाऊंगा पर काले ना पाओ अपनी लुत में करवाओ काफ़ी शिकायत मेरे को आ रही ने इस तरह दी साढ़े में इस तरह व्यवहार हो रहा मैंने बड़ा दुख हुआ उस गल को लेकर क्योंकि संगत प्रति गिनती जो करके औखा हो जाए सारे बाकी पिछले दिनों देख रहे हुए क्योंकि सारे कहते आज भी आप कुछ करते नहीं पर मेरा अपना मानना सी भी सारी गल सड़क से बहुत ही हल नहीं होगी आप दबाव बनाने के तरीके बहुत है तो विधानसभा के बच्चे जाने भी अपना एक तरीका से होर भी जितने जाना पड़ेगा वो भी अभी जारी रखेंगे पर मेरी कोशिश होगी भी मैं पहले थोड़ा तंग ना करा पहले मैं आप देख लूँ जो तो मेरे हंस खड़े हो जाएंगे फिर मैं दोनों पुकार करूंगा कि आज लोगों ने हॉस्पिटल नहीं पर सरकार की इस चीज़ का आपको हो तो कुछ बेनीफिट भावे ना मिले होंगे पर आप सरकार की मानसिकता बाहर कभी कामयाब नहीं होंगे गवर्नमेंट कितनी गंभीर है अपने मुद्दे को लेकर तो तुम अमन अरोड़े के बयान सुन लिया होंगे जिदा वो कहता कोई रॉकेट साइंस नहीं है भी सूँ पता लग जाए साढ़े परिवार वालों उसकी प्रतिक्रिया का बड़ा बहुत ही बढ़िया साफ तरीके किया गया 9-10 दिन बिल्कुल बिना सिक्योरिटी कुछ भी करना है तो बिना सिद्धू बिल्कुल सेफ है
कोई पता नहीं लिया, परंतु दिल्ली सरकार की कृपा होगी। 28 को अनाउंस करते हैं सिक्योरिटी बरकरार है। और एक गल इन्वेस्टिगेशन के बीच बोल जी ने आप ही कहती कि जो सू पता लग गया सिक्योरिटी वापस होगी फिर वो घर से हमला करने भी तैयार हो। वो कहते थोड़े मापे को मैं पूछना चाहना भी सिद्धू गनमैन क्यों ना लेते गए। मैं मानता भी साड़ी भी गलती हैगी पर की गनमैन थले नाल ही चुंगी घर गनमैन को बिना सेफ है। उन्होंने पलानियां की सी हम बच्चे ने सारी गल सू नहीं दसी होगी फोन को आया जो की हो मैं इस गल का पूरा पता से भी असल मौके से की हालात हो क्यों उन्हें इस तरह का फैसला लिया जब उन्होंने लगता होगा भी मैं बीमारी के नाल लेकर घर कोई है नहीं ता चला गया परमात्मा जानते जो बच्चा चला गया उन्होंने तो बंद बच्चा की कुछ लेके चला गया। मैं रोड़े के बयान के उत्ते काफ़ी इतराज जताया से भी वह इंसान बोल रहे जिंदा अपना पाप भी खुदकशी करके मरिया हो गया कोई योजी मानसिकता के पड़िया हो रहा परिवार खेल खेल उन्होंने देखा हो रहा वो भी इस तरह बयान दिता है क्योंकि सत्ता का नशा भी हाईएस्ट रही है। जो बापू को सत्ता नहीं पुछती तो मैंने आपको नहीं पता लगता भी जो घर के कोई इस तरह का पहाड़ डिगदा दुखों का कोई मापदंड नहीं रह जाता उदो अपना सियानपन सब क्यों पै जाते हैं। असी गलती की असी सजा भुगत पर जी तुम की भुगत ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਦੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪੇ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ये गल देनी हो सबू सत्ता सदा नहीं रहनी है तो सत्ता लग नहीं गया आ गया चौधरी थोड़ी लोग पता लग चुकी ठीक है बाल अगे डिगे तो उठे बैठ के असं जो चीज देखी मेरे जान का मकसद इन्ना सी भी घट्टो घट मेरे चुने हुए विधायक ने 117 वो मेरे दुख के शामिल हो मैं मिलने कोई मिनट आए कोई दो मिनट आए मेरे को दो मिनट गुंडा ला के जाएंगे भाई दस तेरा मसला हल करते परंतु बड़े अफसोस का कहना पैदा जो सिंगर ने एक दो उन्होंने किसी पता नहीं भी क्या भी असू के बापे बैठे तो मिल लगना मैं आना मुझे उन्होंने साजे का नजर वाला भी चंकी नहीं समझी उसे बैठे तो मुश्किल साढ़िया कितों हल कर देंगे मुश्किल अपनी हल करूंगा पोस्टर अली का ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਕਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇੰਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਮਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।